नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में शुरू हो रहे दो दिवसीय समरसता कुंभ का उद्घाटन करेंगे। वो करीब 12 बजे समरसता कुंभ का उद्घाटन करेंगे। लगभग एक घंटे तक समरसता कुंभ में ही रहेंगे। आपको बता दें, प्रयागराज में कुंभ से पहले अयोध्या में समरसता कुंभ होने जा रहा है। प्रयागराज के कुंभ के महत्व को बताने को लेकर समरसता कुंभ हो रहा है। देश के कोने कोने से विद्वान और साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये वैचारिक कुंभ प्रदेश के 5 स्थानों पर हो रहा है। तो अयोध्या में समरसता कुंभ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें, प्रयागराज में कुंभ से पहले इस कुंभ का आयोजन दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी करेंगे इसका उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में शुरू हो रहे दो दिवसीय समरसता कुंभ का उद्घाटन करेंगे। 12 बजे समरसता कुंभ का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और तकरीबन एक घंटे तक वो समरसता कुंभ में ही रहेंगे। प्रयागराज में कुंभ से पहले अयोध्या में समरसता कुंभ होने जा रहा है। प्रयागराज के कुंभ के महत्व को बताने को लेकर दरअसल ये समरसता कुंभ हो रहा है अयोध्या में, जहां देश के कोने कोने से विद्वान और साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। जानकारी आपको यह भी दे दें कि यह वैचारिक कुंभ प्रदेश के 5 स्थानों पर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इस समरसता कुंभ का उद्घाटन। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है जब वो पहुंचेंगे। तकरीबन एक घंटे तक रहेंगे वहां पर। वैचारिक कुंभ प्रदेश के 5 स्थानों पर हो रहा है, जिसका मकसद है कि प्रयागराज के कुंभ के महत्व को बताना। चलिए सीधे हम अयोध्या रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नवनीत कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवनीत, आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे समरसता कुंभ का उद्घाटन करने के लिए। समरसता कुंभ को लेकर क्या तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर और क्या जानकारी? लेकिन बताया जाए, समरसता कुंभ की तैयारी आज का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। 11:50 से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 12 से रवाना होकर अवध विद्यालय होते हुए नवीन परिसर, जहाँ इनका कार्यक्रम है, समरसता कुंभ का उद्घाटन है, वहाँ पहुंचेंगे। 12:05 से समरसता कुंभ की 1 बजे करेंगे। समरसता कुंभ में जो आए हैं उनको, लोगों को बताएंगे इसका महत्व क्या है, किस लिए किया जाता है, इसको सब लोगों को बताएंगे। जितने संख्या होगी, कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं साधु संत, कुछ यहाँ के भी है, कुछ अयोध्या के भी है, उन सबको घोषणा करेंगे। बिल्कुल नवनीत, और कौन कौन मौजूद रह सकता है? इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि देश के कोने कोने से विद्वान और साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये सही है कि कुंभ में जिस तरीके व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, बाहर साधु संतों की आने की व्यवस्था है। यह भी कहा, सुनने में आ रहा कि जनकपुर के भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुंभ का एक विशेष उद्देश्य देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, तो कल राम नाईक गवर्नर साहब का भी आने की संभावना है समापन में। चलिए नवनीत, आप लगातार इस पर नजर बना के रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी आदित्यनाथ करेंगे इस 2 दिवसीय समरसता कुंभ का उद्घाटन, जिसका मकसद है प्रयागराज के कुंभ के महत्व को बताना, और इसमें देश के कोने कोने से विद्वान और साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि वैचारिक कुंभ प्रदेश के 5 स्थानों पर हो रहा है।